जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उस पे आप पूरा अमल करें। एंड आई एम गिविंग यू 101% गारंटी टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। नोबडी विल स्टॉप यू। दोस्तों, जो हैबिट्स मैं आपको अपनाने के लिए कह रहा हूँ उससे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, सबसे पहले हैबिट ये होनी चाहिए सुबह जल्दी उठने की। दोस्तों, अगर दिन के शुरुआत में ही अगर आप एक अलार्म से हार जाते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी से जल्दी करें, अपना अलार्म लगाएं 5 बजे, 6 बजे और दिन की शुरुआत जल्दी करें। क्योंकि देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो जल्दी उठना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क एंड अक्षय कुमार, इन लोगों ने कभी भी अपनी नींद से प्यार नहीं किया है। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें। तो दोस्तों, इससे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने में, आप ज्यादा समय दे पाएंगे, टाइम से अपनी शॉप या शोरूम को खोल पाएंगे और अच्छी तरह से उसको चला भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप 9-10 बजे सो कर उठते हैं तो मैं आपको अभी से कहूंगा कि अपनी हैबिट ये जरूर चेंज करें और जल्दी उठने की हैबिट लेके आएं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो आपको सक्सेसफुल बनाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दूसरी हैबिट ये होती है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें। देखिए, आपके बिजनेस में बहुत कुछ होता है जो नया सीखने के लिए होता है। आप उनमें डिस्प्ले के नए नए स्टाइल सीख सकते हैं, कपड़ों की पैकिंग के नए नए स्टाइल सीख सकते हैं, आप अपनी कस्टमर डीलिंग में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको आप सीख सकते हैं। कुछ हिंदी कस्टमर्स होते हैं वो इंग्लिश के फेजेस सीख सकते हैं जिसमें आप बात करके कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई और इम्प्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी दिन ऐसा वेस्ट ना करें सीखने के लिए। आज आपने एक चीज सीखी है, कल आप कुछ और सीखें। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हर दिन कुछ नया सीखने की बहुत जरूरत होती है हर किसी को। तो सीखना हर किसी को आना चाहिए और हर दिन ये नए सीखने की अगर ये कला आपने सीख ली तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से ना घबराएं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि धीरूभाई अंबानी, जो एक टाइम पे इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे, उन्होंने दोस्तों अपने पूरी महीने की सैलरी एक बिजनेस में लगा दी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, क्या होगा उनका, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क लिया। रिस्क लेने के बाद ही वो एक नंबर 1 सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए। तो मैं भी आपको ये करूँगा, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप कुछ कर पाना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो रिस्क लेने से कभी मत घबराइए। नहीं तो क्या होगा कि जब आपकी लाइफ एंडिंग होगी आप हमेशा मन में पछतावा रखेंगे कि काश मैंने बिजनेस कर लिया होता, काश मैंने ये डिसीजन ले लिया होता। तो अगर आपके मन में जो भी चीज़ है उसको जरूर पूरा करें। इससे क्या होगा कि आपको डिसीजन लेने की पावर आएगी और दूसरा जो भी होगा कि आप अपनी गलतियों से जरूर सीखेंगे। तो कभी भी रिस्क लेने से घबराइए नहीं। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि बोले कम और सुने ज्यादा। क्या होता है कि कभी भी कस्टमर डीलिंग में अगर आप कस्टमर से ज्यादा बोलते हैं तो कस्टमर कभी भी आपसे सौदेबाजी नहीं करता है। तो यही चीज होती है कि कस्टमर के साथ में हमेशा नाप तोल कर बोले और उनकी ज्यादा बातें सुने, क्योंकि अगर आप उनकी बातें ज्यादा सुनेंगे तो आप उनको अच्छे से जान पाएंगे और जान पाने से ही आप उनकी जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा सुनना चाहिए और नाप तोल कर बोलना चाहिए। तो हमेशा कम बोलें कस्टमर के साथ में और उसकी पूरी बात को सुनें। तो दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर यह आता है कि मना करना आपको आना चाहिए। क्या होता है कि बिजनेस चाहे गारमेंट का हो या कोई भी फील्ड हो, अगर आप कभी कभी कस्टमर को आपके डिसीजन पे मना करते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी ऑनेस्टी झलकती है, इससे आपका रेट का जायजपन झलकता है। तो कभी कभी आप चाहे गारमेंट बिजनेस में हो या जॉब सेक्टर में हो या किसी भी फील्ड में है, अगर आप कभी कभी कस्टमर को मना करते हैं तो इससे आपकी ऑनेस्टी झलकती है। तो हमेशा कस्टमर के साथ एग्री ना करें, कभी कभी आप भी जो अपनी पॉलिसीज होती है उसके प्रति अड़ जाएं कि ये जो रेट मैंने लगाया है वो एकदम जायज है, एकदम सही रेट है। तो इसी तरह से कभी कभी आप मना करेंगे तो कस्टमर आपको ज्यादा दबाएगा नहीं और जो भी आपके रेट हैं वो एकदम जायज समझ के उसको वो कर देगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन लेना जरूर सीखें। क्या होता है कि अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया है या सोच समझ के डिसीजन लिया है, उसको पूरी जी जान से उसको पूरा सक्सेसफुल बनाने में काम करें। अगर मैंने कोई भी डिसीजन लिया है, सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो दूसरे कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, आपने अपने दम पे वो डिसीजन ले लिया है तो उसको पूरा सक्सेसफुल बनाने में जी जान कायनात को एक कर दीजिए। क्या होता है कि अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है, लोग कहते हैं कि गलत हो सकता है,
लेकिन वो आप ही हैं जो उसको एकदम सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा जरूर आपको कि डिसीजन जरूर लें, गलत होगा सही होगा उसको सही करने में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो पूरी जिंदगी भर आपको ये पछतावा रहेगा कि काश मैंने वो डिसीजन ले लिया होता। तो अपनी शॉप में, अपने बिजनेस में जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसको जल्दी से लीजिए और अगले ही सेकंड उसको पूरा करने में पूरा फोकस लगा दीजिए। तो इन सब चीजों से आप देखेंगे कि आप अपने बिजनेस को कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, हमेशा आपको समय के साथ चलना चाहिए और समय के साथ ही अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस 10 साल पुराना है और टाइम से आप उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आप समय से हमेशा पीछे हो जाएंगे। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, तो समय के साथ चलना बहुत ही जरूरी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पहले जमाने में अगर आप कपड़े की दुकान देखें तो नीचे एक गद्दा बिछा के वहां पे कोई ढंग का डिस्प्ले नहीं होता था, कोई कस्टमर डीलिंग नहीं होती थी, आपने कपड़े लिए, पैसे दिए और घर चले गए। लेकिन समय के हिसाब से आप देख रहे हैं कि कपड़े की एक छोटी दुकान जो आजकल एक शोरूम में कन्वर्ट हो गई है, मॉल में कन्वर्ट हो गई है। 10 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह कपड़े का एक शोरूम भी होगा। तो इसी तरह से अपने आप को समय के साथ में अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप पिछड़ जाएंगे। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप को समय के साथ अपडेट करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आपने इस कला को सीख लिया तो आपको नंबर वन बिजनेसमैन बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपने आप को समय के साथ बदलना जरूर सीखें। तो दोस्तों, अब जिस हैबिट की मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आपने इस हैबिट को सही से अपना लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पैसे की अहमियत जानते हैं तो पैसे को बचाइए, सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और उसे वेस्ट मत कीजिए। चाहे वो आपकी हार्ड अर्न मनी हो, चाहे वो आपको पुश्तैनी जायदाद से मिली हो, चाहे वो आपके बाप दादा की जायदाद हो या पैसा हो, किसी भी चीज को आप वेस्ट मत कीजिए। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पैसा कमाना कितना ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर इस मुश्किल काम को अगर आप वेस्ट कर दें तो सारा जो जायदाद है, सारी जो संपत्ति है, वो एक मिनट में वेस्ट हो जाती है। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको सेव करें, उसको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें और उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी संपत्ति है वो आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो अगर इस मंत्र को आपने अपना लिया अपनी लाइफ में तो आपको बड़ा बनने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसको आप एकदम से खर्च ना करें, थोड़ा थोड़ा बचाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100% कमा रहे हैं तो उसमें कम से कम 30% आपको सेव करना चाहिए, 20% आपको आगे के आपके जो काम है उसमें लगाना चाहिए और 30-40% आपको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि आपकी कितनी बचत हो रही है, आपका बैलेंस हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपका पैसा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो इस मंत्र मूल को आप अपना लीजिए अपनी लाइफ में, इस हैबिट को जरूर अपनाइए कि जो भी पैसा आपके पास है उसको आप बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो इसका एक ही मंत्र है कि जो भी पैसा आपके पास है उसको आप सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और कभी भी उसको आप वेस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों, अब जिस हैबिट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जो आपकी सोशल लाइफ होती है, जो आपका इम्पैक्ट होता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के लोग होते हैं। तो हमेशा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो भी आपके पास नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिए। सोशल लाइफ में हर किसी से बात कीजिए, लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ में आपका संबंध मधुर होना चाहिए और उनके प्रति रुचि आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी सोशल लाइफ है उसमें आपका एक नाम बनेगा और आपको एक अच्छे लोगों में गिना जाएगा और आपकी जो भी सकारात्मक सोच है उससे आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि कभी भी गलत काम ना करें, हमेशा अच्छे लोगों के साथ लगें, सद्बुद्धि का प्रयोग करें, जिससे आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आपकी जो भी व्यक्तिगत संपत्ति है, आपकी जो भी व्यक्तिगत पूंजी है, उसको आगे बढ़ाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, हमेशा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ में अपना संबंध बढ़ाएं। तो दोस्तों, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपनी लाइफ में ये अपना लिए तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भले ही आप पैसा कमाए ना कमाएं, आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज कसम खाइए कि कल से
जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं अपनी लाइफ में आप जरूर अपनाएंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको एक साल के अंदर, ये बहुत ही बड़ा टाइम में बता रहा हूं, हो सकता है कि अगर आपके टाइम के अकॉर्डिंग एक महीने में ही आप सक्सेसफुल बन जाएं, ये मैक्सिमम टाइम है। एक साल के अंदर आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आज आप कसम खाइए कि कल से जो भी मैंने हैबिट्स आपको बताई हैं वो आप जरूर अपनाएंगे, और सुबह उठने से लेके लास्ट पॉइंट तक सारे पॉइंट्स अपने लाइफ में अपनाएंगे तो आपको बड़ा आदमी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स और जितने भी दुकानदार भाई हैं वो भी इस ज्ञान से अपने आप को बढ़ा सकें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा तो आपका उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और आपका जो भी मोटिवेशन है उससे मुझे ऐसी अच्छी वीडियो बनाने में और भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे इस तरह से अपना मोटिवेशन देते रहें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।